इनकी प्रोडक्ट। तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, है ना, और उनकी डिमांड हमेशा रहती है और ये ग्रोथ में है ना। बिजनेस का जो रेवेन्यू टर्नओवर है जो वो ग्रोथ में है और सैचुरेशन अभी नहीं है। वेलनेस इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया है कि आने वाले समय में ग्रो करने वाली है बहुत तेजी से, है ना। अगर हम डेटा को निकालें तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री अब इसने जो है इंडिया में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, यानी आने वाले समय में। अभी आप देखिए अम्बे बिजनेस का 2,500 करोड़ का टर्नओवर इस वक्त इंडिया में है और आने वाले 2 से 3 सालों में जो है ये 10,000 करोड़ पे जाना है। नेक्स्ट कमिंग 2 ईयर्स 10,000 करोड़ पे जाना है, यानी कि 7,500 करोड़ का अभी इसमें ग्रोथ और आने वाली है 2 सालों में। तो कितनी बड़ी ग्रोथ आने वाली है। अगर हम इस बिजनेस में आज ज्वाइन होकर इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी वेल्थ हमारे हाथ आएगी। और रिसर्च बताती है, बड़े बड़े ऑथर्स बताते हैं कि आने वाले बिलियनियर्स और मिलियनियर जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री से आने वाले हैं, राइट। अब रही बात कंपेरिजन की मोदी केयर एंड आरसीएम, तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन से बिजनेस सरवाइव करेंगे फ्यूचर में, है ना। पहली बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है ना। हर एक अब नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे कि शेयर मार्केट के बिजनेस होते थे या क्रिप्टो करेंसी के, ये सारे सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, है ना। ये तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस होते थे, लेकिन ये क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं? क्योंकि नेटवर्क की स्ट्रेंथ को आज की डेट में हर कोई समझ रहा है कि नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग ही चलेगा, क्योंकि ये पेंडेमिक प्रूफ होता है ना। लेकिन कौन सी कंपनी चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी वो डिपेंड करेंगी कुछ चीजों पे। क्या वो कंपनी रेगुलेटेड है, क्या वो लीगलाइज्ड है, क्या उनकी ओन प्रोडक्शन है ना, क्या उनके पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, है ना। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ ड्रॉ लाइंस होंगी जो डिसाइड करेंगी कि कौन सी कंपनियां सरवाइव कर पाएंगी कौन सी नहीं कर पाएंगी, है ना। बिजनेस अनसक्सेसफुल नहीं होता है। अगर हम एमबे की बात करते हैं तो एमबे इज नॉट एन इज अ कम्प्लीटली 100% सक्सेसफुल बिजनेस। यहाँ पे हमको देखना क्या होता है, क्या हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना। तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे वो कैसे हो पाएंगे, उसके लिए हमको कुछ स्किल्स कुछ नॉलेज हासिल करनी होगी, है ना, और वहां से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिजनेस सक्सेसफुल है इसका प्रूफ है, क्योंकि ये चलता है पूरे वर्ल्ड में, चल रहा है ग्लोबल, चल रहा है 110 कंट्रीज में, चल रहा है ना। पेटेंटेड इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सर मेरा आंसर था और आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं अगर आई हैव मिस सम पॉइंट्स। हाँ मोनिका जी, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट पूछा। ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है और ये हम सबके सामने आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, ये बिजनेस में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो हमें 1 महीना लगभग इस बिजनेस को सीखने में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बिजनेस प्लान को समझना, इसके फ्यूचर को समझना, इसमें जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है उसको समझना, कुछ बुक्स, पीपल स्किल, सवाल ही जवाब है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, और टीम की मीटिंग्स को अटेंड करना। तो अगर हम इस 1 महीने की प्रिपरेशन करें इस बिजनेस में आने के बाद और तब लोगों से बात करें, तो आपको ये प्रश्न बड़े सामान्य लगेंगे और लगेंगे ये तो इसका उत्तर मैं जानती हूँ, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 22 साल पुरानी है और कई बार लोगों ने इस तरह से लोगों को हैंडल किया कि इसके बारे में निगेटिव मार्केट क्रिएट हो गया, पीछे पड़ जाते थे लोगों के, जबरदस्ती किट डाल के आ जाते थे, यानी कि चेज करना और पीछे पड़ना, बात अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो संबंध खत्म कर लेना। यानी कि कमी एमवे में नहीं थी, कमी उन लोगों में थी जिन्होंने इसको सही तरीके से लोगों को हैंडल नहीं किया और उन पे एक नेगेटिव छाप छोड़ी एमवे के नाम पे। अब जब इस तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं, निश्चित रूप से पूछेंगे। जैसे अगर मैं बैंक में हूँ तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक भारतीय स्टेट बैंक है, एक ग्रामीण बैंक है, एक कोऑपरेटिव बैंक है, एक नगर सहकारी बैंक है और एक कोई प्राइवेट बैंक खोल लेता है अपने घर का। तो जब हम लोगों से जाएंगे कि आइए हमारे बैंक में खाता खोलिए, तो कहेंगे हमारे बैंक में तो ऑलरेडी खाता है, वो घर का बैंक खोला हुआ उसमें अकाउंट है। तो तब हम उनको इसमें कंपेरिजन कर सकते हैं कि आप अपना खाता क्यों खोलना चाहते हैं, अगर आपने बिजनेस किया क्यों किया। वो कहेगा जी मेरे चाचा जी ने ज्वाइन करा दिया था। तो आपने इस बिजनेस को सीखा क्या? क्योंकि हर काम को दुनिया में सीखना पड़ता है। जो बिना सीखे कोई भी काम करे, चाहे वो नाई की दुकान पे जॉब करना चाहे शेविंग करने के लिए, चाहे वो बढ़ई की दुकान पे टेबल बनाना चाहे, कोई भी काम करना चाहे,
जो आदमी सीखने में समय नहीं लगाता वो उस धंधे में भी सफल नहीं होता। इसी तरह से इस बिजनेस को भी जब आप सीखेंगी, और ये जो कॉमन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है प्राइस को लेके, लोगों को नहीं जानता, अरे सारा मार्केट सच्योर हो गया, हर आदमी इसके बारे में निगेटिव बात करता है, मैं तो लोगों को समझा ही नहीं सकता, आप तो अच्छे से समझा लेते हो, है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया हूँ, फिर मैं क्यों करूँ, है नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो हैं, जब आप एक महीने का इसका कोर्स करेंगी सीखने का, तो आपको ये सवाल बड़े आसान लगेंगे, और वहीं से लोग मिलेंगे जब हम उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, उनके बातों को सुनेंगे और उसको सॉल्यूशन बताएंगे, तो उन्हीं में से कुछ लोग हमारी टीम के पार्टनर बन जाएंगे, भले ही वो शुरू में कितने भी निगेटिव थे। इसमें कई लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे कपिल जी की बात करें तो शुरू में ये निगेटिव थे, लेकिन जब इनको हमने समझाया, इन्होंने एक्सप्लोर किया, जो आदमी सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, तो वो चीज़ों को समझ जाता है और इस बिजनेस को बिल्ड करता है। अगर आप इस बिजनेस में मीटिंग में आ रही हैं तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं लगती जो निगेटिव हो। आप सोचिए, घर में बैठ के आप एज ए लेडी, आपको मौका मिला है अपने सपनों को पूरा करने का, जिसमें टीम मदद कर रही है, प्रोडक्ट घरेलू है यूज कर रहे हैं, शानदार प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशन है उसमें हमारी हेल्थ का, हमारी लाइफ का, तो लोगों को जरूरत है हेल्थ की, लोग पैसे कमाना चाहते हैं, जरूरत है बस इसको सीख के करने की। अगर हम सीख के करेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर ना सकें, और ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जैसा हम सोचते हैं, हमसे भी स्मार्ट लोग, हमसे भी महत्वाकांक्षी लोग, हमसे भी तेजी से काम करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद है। हमें हुनर आना चाहिए, कैसे उन तक पहुंचे, कैसे टीम की मदद से उनको इस बिजनेस के अंदर लाए, तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है। और बहुत बढ़िया किया आपने जो इस तरह की मीटिंग में आ रही हैं, आप खुल के दिल की बात पूछ रही हैं, और भी अगर आपके मन में प्रश्न आते हैं, मेरी अपील है सबसे, काइंडली नोट डाउन, आप पूछिए, अगली प्रेजेंटेशन बुधवार को होगी फिर पूछिए, है नहीं, ताकि आप सीखें, और जब ये प्रश्न आपके सामने आए तो जो उत्तर आपको बेस्ट लगता है वो उत्तर लोगों को दें। यही तो एक महीने की ट्रेनिंग है आपकी। इस एक महीने की ट्रेनिंग में आपको भी मौका मिलेगा, चाहे अंजलि जी हों, चाहे मोनिका हों, चाहे वो संजीवनी राठौर हों, चाहे वो रवि कुमार हों, जो भी हमारे नए लोग हैं, तोशी हों, है नहीं, आपको भी ये प्रेजेंटेशन देना है इसमें, और आपको भी लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने हैं, तो बहुत जल्दी आपको मौका मिलने वाला है, उसके लिए तैयारी करिए, है नहीं। और जब आप इस तरह की मीटिंग में आएंगे तो आपको उत्तर देने के लायक होंगे, हम भी ऐसी थे पहले आप ही की तरह, लेकिन जब हम सीखते चले गए तो चाहे कॉल करना हो, चाहे उनको प्लान दिखाना हो, चाहे उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे उनको बिजनेस की शुरुआत करानी हो, ये सारे काम सीखे जा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे ब्यूटीफुल चीज है, तो ऐसे ही ये बिजनेस चलता है, और आप भी एक दिन इसके धुरंधर बन जाएंगे, और आपको ये सारे काम बड़े आसान लगेंगे, है नहीं, बार बार करने से।